मैं हर बार ही बोलता हूँ यार, इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा जाएगा, एरेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सब तो आना ही चाहिए, बट अप्लाई करना। सबसे फेवरेट टॉपिक कंपनीज का, विच इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इम्प्लीमेंटेशन तो करनी है, उसके बाद एप्लीकेशन करनी है। लोग ट्री कैसे बनाते कैसे, ये नहीं आता लोगों को, बाकी दुनिया भर के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। हाय, माइसेल्फ पारेक हियर। सर, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अ कंप्लीट रोड मैप फॉर लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स फॉर प्लेसमेंट्स। तो यार, आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मैं प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। मैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊंगा कि एरेज में सीखना होता है तो कैसे क्या करना होता है, लिंक्ड लिस्ट में सीखना होता है तो क्या करना होता है। आज मैं अज्यूम करूंगा कि तुम प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से आए हो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है। नाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज, तो तुम्हें क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए सो दैट तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में इंटरव्यूज फोड़ने में कोई ना रोक पाए। ठीक है, सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ये वाला रोड मैप, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं करा है तो। पूरा प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, पूरा अच्छे से एंड टू एंड डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक करना चाहिए, किस ऑर्डर में करनी चाहिए, किस टॉपिक में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं इंटरव्यूज में, उसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से, कैसे कैसे क्या करना होता है। सो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स है, आई थिंक फर्स्ट टॉपिक सबको पता ही है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एरेज। देखो यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबसे पहला टॉपिक अगर एरेज है तो एरेज इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं हर बारी बोलता हूँ यार, इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा जाएगा, एरेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तुमने अपनी लर्निंग में केवल एरेज भी करा है तो भी शायद इंटरव्यूज निकाल लो, मतलब इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि, क्योंकि सामने वाले इंटरव्यूअर को भी ना बाकी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं याद रहते, उसको एरेज याद रहता है। तो एरेज ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ एरेज के अंदर, चार पांच चीजें हैं जिनकी हमें प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। हमें कैडेनेज एल्गोरिथम की एप्लीकेशंस अच्छे से करनी चाहिए, हमें डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम की एप्लीकेशंस करनी चाहिए, हमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स सम वाले क्वेश्चंस करने चाहिए कि पहले से ही सम स्टोर कर लिया, हमें सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की एप्लीकेशंस बहुत सारी करनी चाहिए। ये चार टॉपिक्स हैं जिनमें एरेज में बहुत सारी कॉम्बिनेशन करके प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। इसके अलावा और भी हैं, बट एरेज में इन चारों की एप्लीकेशंस अगर तुम बहुत अच्छे से करते हो तो तुम अच्छे से एरेज के क्वेश्चंस कर पाते हो। तो जब तुम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो इन्हीं के अराउंड क्वेश्चंस काफी सारे आएंगे, है ना। ऐसी सिमिलरली फिर नेक्स्ट टॉपिक जो स्ट्रिंग्स आता है उसके अंदर भी ये वाली एल्गोरिथम्स लग जाती है, है ना। तो मेक श्योर यू आर लर्निंग दीज एल्गोरिथम्स बाय हार्ट, है ना, मतलब उनको अच्छे से तुम यूज कर पा रहे हो, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग लगा पा रहे हो, बहुत अच्छे से एरेज एंड स्ट्रिंग्स की क्वेश्चंस करो और इन एल्गोरिथम्स को अच्छे से अप्लाई करना शुरू करो। इसके बाद दो और एल्गोरिथम्स हैं, जैसे टू पॉइंटर्स हो गई, स्लाइडिंग विंडो हो गई, उनकी अलग से एप्लीकेशंस और बहुत सारी होती हैं, उनकी हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो एरेज एंड स्ट्रिंग्स हो गया और ये वाली एल्गोरिथम्स हो गई, ये हमारा एक कंबाइन करके एक स्टार्ट हो जाता है इंटरव्यू की तैयारी करना कि हमने ये एल्गोरिथम्स आती हैं, हमें इनकी एप्लीकेशंस आती है, नाउ वी हैव स्टार्टेड अवर इंटरव्यू प्रिपरेशन, है ना। एरेज एंड स्ट्रिंग्स और इन एल्गोरिथम्स को कवर कर लिया तो बढ़िया स्टार्ट हो गई है तुम्हारी इंटरव्यू प्रिपरेशन। उसके बाद 2D एरेज की कुछ क्वेश्चंस करो। देखो 2D एरेज में काफी सारे रोटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं कि 2D एरे को रोटेट कर दिया तो क्या होगा, ट्रेवर्सल बेस्ड होते हैं कि ऐसे वेव फॉर्म में ट्रेवर्स करना या डिफरेंट डिफरेंट स्पाइरल फॉर्म में ट्रेवर्स करना, ये काफी इंटरव्यू क्वेश्चंस है क्योंकि काफी लॉजिकल बेस्ड बन जाते हैं। तो 2D एरेज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उसके अंदर तुम ये रोटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, ट्रेवर्सल बेस्ड प्रॉब्लम्स, इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना। और मैं अगेन रिपीट करूंगा, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो ये सारे इंटरव्यू की प्रॉब्लम्स के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसा मैं बता रहा हूँ रोड मैप, बिल्कुल एज इट इज हमारे कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, वहां से तुम फॉलो कर सकते हो। पूरा इंटरव्यू लेवल के हिसाब से वो गाइड पाथ बना हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से तुम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, अब 2D एरेज कर लिया, उसके बाद हमें सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की थोड़ी और एप्लीकेशंस करनी चाहिए कि सॉर्ट करने करने से नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि सॉर्ट कर दो एरे को, कुछ ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सब तो आना ही चाहिए, बट अप्लाई करना कि भाई इस क्वेश्चन में सॉर्ट करके वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की एप्लीकेशंस करो, सर्चिंग से मतलब था मेरा थोड़ा बाइनरी सर्च की एप्लीकेशंस अच्छे से करो, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आई थिंक सर्चिंग एंड सॉर्टिंग कर लोगे, बाइनरी सर्च वगैरह कर लोगे, एरेज पे लगाना आ गया, स्ट्रिंग्स पे अप्लाई करना आ गया, आई थिंक यू हैव कवर्ड अ मेजर पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस इन्हीं के अराउंड रहेंगे, एरे, स्ट्रिंग्स, एल्गोरिथम्स, इतनी सारी और इन्हीं के अराउंड क्वेश्चंस रहती हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो काफी अच्छा होता है, दैट इज अ ट्रिकी पार्ट, विच इज रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग।
आई थिंक काफी फेवरेट पार्ट होता है इंटरव्यूअर का, क्योंकि रिकर्जन की नॉलेज वो एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छे से आती है बंदे को, और इसीलिए रिकर्जन के जो थोड़े हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, बैक ट्रैकिंग के जो थोड़े हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, एन क्वीन प्रॉब्लम हो गई, रैट इन अ मेज प्रॉब्लम हो गई, पूछा मतलब बिल्कुल एज इट इज सेम प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो इन सब प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो, कि ये जो रिकर्जन के सबसेट सम टू के वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़े जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, प्रिंट परम्यूटेशंस जो रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग से ही हो सकते हैं, उन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, है ना। दीज आर रियली रियली हेल्पफुल फॉर इंटरव्यूज, बिकॉज इंटरव्यू वहां पर कोड भी चेक कर लेता है बंदे का, और उसको समझ में आ जाता है कि बंदे को चलो रिकर्जन की तो नॉलेज अच्छे से है ना, तो अपना रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग भी अच्छे से कवर हो गया। अब उसके बाद आता है तुम्हारा एक टॉपिक लिंक लिस्ट, है ना। लिंक लिस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बेस्ट पार्ट उसका ये होता है कि फालतू का इधर उधर का झंझट नहीं होता स्टोरेज का, बस एक अपना है और एक नेक्स्ट है, राइट। मतलब एक पॉइंटर बस नेक्स्ट पे पॉइंट करता है और अपना एक डेटा होता है, तो सिंपल सा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, और उसपे इतने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं? स्लो एंड फास्ट पॉइंटर वाली, लिंक लिस्ट को रिवर्स करने वाले क्वेश्चंस, उन सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। और कौन से होते हैं? लिंक लिस्ट में सॉर्ट करने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लिंक लिस्ट में मॉडिफाई करने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कि एक नंबर ऐड करना है लिंक लिस्ट में या दो लिंक लिस्ट को ऐड करना है क्या होगा, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। ये इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं लिंक लिस्ट के, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसका पूरा एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स बना हुआ है हमारे पास कोड स्टूडियो पे, गाइडेड पाता है, बिल्कुल इंटरव्यू लेवल का गाइड पाता है, अगर वो कर लिया तुम्हें कोई नहीं रोक सकता इंटरव्यू निकालने के से। तो लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस का इसी ऑर्डर में अच्छे से प्रैक्टिस करो, तुम्हारे लिंक लिस्ट के भी तैयारी इंटरव्यू वाइज हो जाएगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैक्स एंड क्यूज का। स्टैक्स एंड क्यूज में क्या इंपॉर्टेंट होते हैं? पहले तो बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन के क्वेश्चन, स्टैक क्यूज ऐरे से कैसे होता है, लिंक लिस्ट कैसे कैसे होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशंस करते चले जाते हैं इनके, बट इनके इंप्लीमेंटेशन करने भूल जाते हैं, और उसमें भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं कि स्टैक को दो क्यू से इंप्लीमेंट करना है, क्यू को दो स्टैक से इंप्लीमेंट करना है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये याद नहीं रहते, उसी टाइम उस टाइम सोचना पड़ता है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंटरव्यूज के लिए, क्योंकि उन्हें पता है ये याद तो रहने वाले नहीं है, बंदे के लॉजिकल लेवल जज हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स तो हैं, है ना, स्टैक हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला स्ट्रक्चर है, क्यू हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला स्ट्रक्चर है, ये सब चीजें कहाँ यूज होती है, कैसे लगती हैं, उनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस करो, है ना, दैट विल रियली हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज ट्रीज। देखो ट्रीज में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बट मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रीज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है इंप्लीमेंटेशन वाला। लोग ट्री कैसे बनाते कैसे ये नहीं होता लोगों को, बाकी दुनिया भर के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, तो ट्री को इम्प्लीमेंटेशन को मिस मत करना, वो क्यू से कैसे बनती है, कैसे हम ट्री बनाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीखना। उसके बाद बहुत सारी वैरायटी ऑफ ट्रीज की प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले ट्री ट्रेवर्सल्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर गिवन है तो ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो ट्रेवर्सल बेस्ड अच्छे क्वेश्चन करो। फिर ट्री पे अंदर ट्रेवर्स करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, है ना, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि मतलब बीएसटी कंस्ट्रक्ट करना है और एक एरे गिवन है सॉर्टेड एरे, तो कैसे होगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बाइनरी ट्री, बीएसटी, जनरेट ट्री, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये मत करना केवल दो दो नोड वाली ट्रीज पे प्रैक्टिस करोगे बाइनरी ट्री को, नहीं, जनरेट ट्रीज भी आ जाते हैं, तो इसलिए लोग क्या करते हैं उसमें एकदम घबरा जाते हैं जैसे एक जनरेट ट्री दे दिया, क्योंकि आदत नहीं होती प्रैक्टिस करने की। तो उन सब हर वैरायटी ऑफ ट्रीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, है ना। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करो ही, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होती हैं, जैसे डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री, हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री, ये सब बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, लेकिन तब भी पूछी जाती है क्योंकि बंदे को चेक करना है भाई बंदे का लॉजिक सही है या नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकता उसको ट्रीज। तो ये ट्रीज के थोड़े डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। फिर उसके बाद जो और इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं इंटरव्यू परस्पेक्टिव से, और आजकल काफी हॉट टॉपिक्स हो गए हैं, विच इज प्रायोरिटी क्यूज एंड हीप्स, है ना। प्रायोरिटी क्यूज एंड हीप्स की सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से करो, तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि मिनिमम कैसे बनता है, वो लॉग इन में कैसे वर्क करता है, हर चीज के पीछे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर के बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है, मर्ज के सॉर्टेड अरेज, मर्ज के सॉर्टेड लिंक लिस्ट, तो के कहीं पर भी आते हैं वहां लगता है यार कहीं ना कहीं प्रायोरिटी क्यू लग जाएगा, थोड़ी और एप्लीकेशंस करो, है ना। इंप्लीमेंटेशन तो करनी है, उसके बाद एप्लीकेशंस करनी है, बट इंप्लीमेंटेशन इज द फर्स्ट पार्ट इन एवरी डेटा स्ट्रक्चर, और ये मैं इंटरव्यू परस्पेक्टिव से ही बोल रहा हूँ, पहले इंप्लीमेंटेशन और उसके बाद हम उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस करेंगे तो हम इंटरव्यू रेडी अच्छे से हो पाएंगे। अब जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ग्राफ्स।
ग्राफ्स में तो दुनिया भर के टॉपिक्स हैं कि भाई ग्राफ को पहले पढ़ेंगे कि ग्राफ इंप्लीमेंट कैसे होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। BFS, DFS ये दो मोस्ट क्रिटिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ग्राफ के। जो भी क्वेश्चन मिलेगा इंटरव्यू में उसमें या तो BFS लग रहा होगा या DFS लग रहा होगा, इन्हीं के अराउंड रहता है। इसके अलावा इंटरव्यूअर्स को भी याद नहीं रहती एल्गोरिथम्स, बट BFS, DFS जरूर याद रहती है उन्हें, है ना। इसके आगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, राइट, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, डेक्स्ट्रा हो गई, राइट, प्रिम्स हो गई, क्रिस्कल्स हो गई, ये सब एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ग्राफ एल्गोरिथम्स आ जाती है कि डेक्स्ट्रा की थोड़ी और एप्लीकेशंस अप्लाई हो रही हैं, ग्राफ को तुम मैट्रिक्स में कैसे लगाते हो, BFS, DFS, 2DRS पे कैसे लगेगा, ये सब चीज़ें हमें ग्राफ्स में एप्लीकेशंस बहुत सारी करती हैं। स्पेशली जो बड़ी कंपनीज हैं वो फोकस करती हैं ग्राफ जैसे टॉपिक पे, क्योंकि थोड़ा टफ होता है, थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन हैवी होता है, तो ग्राफ के एल्गोरिथम्स पे हमें अच्छे से फोकस करना चाहिए, उससे फिर हमारा ग्राफ का टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो ग्राफ में भी अगेन पहले इम्प्लीमेंटेशन करी और उसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशंस करी, उससे हमारा पार्ट बनेगा। फिर उसके बाद सबसे फेवरेट टॉपिक कंपनीज का, विच इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, है ना। ये तो मतलब हॉट फेवरेट है, क्योंकि इसमें क्या है, डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं चाहिए, तुम्हारा दिमाग चाहिए, रिकर्सिव नॉलेज चाहिए, और कैसे ऑप्टिमाइजेशन लगाते हो, तुम्हारी क्या आर्ट है ऑप्टिमाइजेशन की, वो तुम्हारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग से चेक हो जाती है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करो, एरेस पे कैसे करते हैं, 2D एरेस पे कैसे लगाते हैं, स्ट्रिंग्स पे कैसे लगाते हैं, ट्रीज पे कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ें बहुत सारी करो। फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग की कुछ वैरायटीज होती हैं, ब्रेकिंग एंड पार्टीशन टाइप करने की, कि तोड़ के थोड़ा ब्रेक करके फिर उसको पार्टीशन करके मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया, काउंटिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स कर ली, वो सब काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स। देखो 50 प्रॉब्लम्स भी अगर DP पे बना दे तो तुम्हें समझ में आ जाती है वैरायटी, फिर उन्हीं 50 में से लिंक होके तुम्हारी कोई ना कोई नई प्रॉब्लम बनेगी, तो इन DP के क्वेश्चंस को अच्छे से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पूरा एकदम बना बनाया रिसोर्स है, कौन से क्वेश्चन करने हैं, जैसा मैं ऑर्डर बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में बना हुआ रिसोर्स है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवाया हुआ है, वहाँ से तुम चेकआउट करो और प्रैक्टिस करना शुरू करो, किसी का वेट मत करो, है ना। तो DP वाला अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद तुम्हारा ट्राइज जैसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो ट्राइज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, कुछ कुछ एप्लीकेशन कर लो ट्राइज की, कुछ कुछ कंपनीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, स्पेशली फॉर कंपनी लाइक गूगल पूछने लगी है वो ट्राइज के क्वेश्चन। बिट मैनिपुलेशन हो गया, ये सब छोटा टॉपिक है बट पूछ लिया जाता है, तो बिट मैनिपुलेशन का थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। और लास्ट में एक एल्गोरिथम है जो पूछ लिया जाता है बट पता नहीं लगता यार ये एल्गोरिथम थी क्या, विच इज ग्रीडी एल्गोरिथम्स। ग्रीडी एल्गोरिथम्स की ना प्रैक्टिस नहीं करते लोग, कि मैक्सिमम मिनिमम सॉर्टिंग, ये जो कि इसमें ग्रीडी वे लग जाएगा और ये ना कॉन्फिडेंस नहीं आता ये मैं सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ सही, तो थोड़ा सा ग्रीडी एल्गोरिथम्स की अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा और तुम्हारे इंटरव्यूज में वो पूछ लिया जाता है, क्योंकि वहां पर लॉजिकल लेवल चेक करना है, तो ग्रीडी एल्गोरिथम्स को थोड़ा अप्लाई करना आना चाहिए, उसके बारे में भी तुम पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें जो है जो मस्ट हैव है, इसके बिना मतलब इंटरव्यूज में जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है एंड हो सकता है ना निकले, ठीक है। मतलब इनमें ये तो सारे टॉपिक मस्ट हैव है, ये तो करने ही करने पड़ेंगे। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं, जैसे हैश मैप की इंप्लीमेंटेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्कुलर क्यू के थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं, DQ के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन गए हैं गूगल में, तो DQ के थोड़े पढ़ लो, डबली लिंकलेस, सर्कुलर लिंकलेस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग की कुछ एल्गोरिथम्स है, KMP हो गई, राइट, बॉयन मूर हो गई, ये सब थोड़ी सी पढ़ लो अगर हम, तो हमारी स्ट्रिंग के एल्गोरिथम्स भी कवर हो जाती है और हमारा सब कुछ रेडी हो जाता है। इसके अलावा कोई और सिलेबस नहीं है जो तुमसे पूछा जाएगा इन इंटरव्यूज, है ना। तो मैंने ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का पूरा रोड मैप बताया है शुरू से लेकर एंड तक, कि हमें क्या क्या करना है। शुरू हमें एरे से करना है ना, उसके बाद एरे, स्ट्रिंग्स, एल्गोरिथम्स लाइक स्लाइडिंग विंडो, टू पॉइंटर, इन सब के मिल के बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, है ना। हमें 2D एरेस की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, उसमें ट्रैवर्सल और रोटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स करनी है, राइट। उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा था, हमें रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, उससे हमारे थोड़े कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर उसके बाद रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग के बाद हमें लिंकलिस्ट के क्वेश्चंस करने चाहिए, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। फिर उसके बाद स्टैक्स एंड क्यूज हो गया, फिर उसके बाद ट्रीज हो गया, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन इंटरव्यूज, है ना। उसके बाद प्रायोरिटी क्यूज हो गया, उसके बाद ग्राफ्स हो गया, दीज आर द हैवी डेटा स्ट्रक्चर जो पूछ लिए जाते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, फॉर इंटरव्यूज। एंड उसके बाद हमें ट्राइज, बिट मैनिपुलेशन, ग्रीडी एल्गोरिथम्स, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इतना कर लिया तो मस्ट हैव तो हो गया, उसके बाद छोटा छोटा पार्ट है,
थोड़ा सा सर्कुलर क्यू के क्वेश्चंस कर लिए, थोड़े से सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट के क्वेश्चंस कर लिए, हैश मैप की इंप्लीमेंटेशन वगैरह कर ली, स्ट्रिंग के कुछ एल्गोरिथम्स पढ़ लिए, और हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सब कुछ पढ़ चुके हैं फॉर इंटरव्यूज। इसके अलावा कुछ और सिलेबस नहीं है, किस टॉपिक में क्या करना है, किस ऑर्डर में करना है, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है, बस इसको प्रैक्टिस कर लो। रिसोर्स मैंने तुम्हें दे ही रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके प्रैक्टिस करो और फोड़ो इंटरव्यूज में। ओके, होपफुली तुम्हें पसंद आए वीडियो, पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, है ना। टारगेट करते हैं इस वीडियो में 2000 लाइक्स का, अच्छे से पेलते हैं, और वीडियो को तुम आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, हमारी भी थोड़ी हेल्प करो और पढ़ाई अच्छे से करो। ओके, चलो गुड लक।